जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल चित्रकूट एक्सप्रेस में और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस में बेंगलोर तक। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि चित्रकूट एक्सप्रेस अभी जबलपुर नहीं पहुंची है। 5:25 AM ट्रेन का वहाँ पर अराइवल है और 6 बजे वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस का अराइवल है और ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो को यहीं पर शुरू किया जाए और मैं आगे की जर्नी आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहेगा जबलपुर में कि आप लोगों को मैं कुछ भी दिखा पाऊँ, मतलब बाकी बातें हो सके। सीधा जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़नी है प्लेटफॉर्म चेंज करके। मिलता हूँ आप लोगों से सीधा वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस के अराइवल पे। तो दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक टाइम से हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। अभी समय हो रहा है 5:45, 5:40 पे चित्रकूट एक्सप्रेस ने हमें छोड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। हमारी जो वाराणसी मैसूर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। 6:10 पर ट्रेन का डिपार्चर है, 6 बजे अराइवल है। यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत चांद निकला है, बहुत ही खूबसूरत। तो फिलहाल नई जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। सुबह तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर अच्छा होगा आप सब। चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को, देखते हैं ट्रेन का अराइवल और कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। कृष्णराज पुरम का WDP 4D लोकोमोटिव आज हमें लेकर के जाने वाला। यहाँ पे हमारी वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आ चुकी है जबलपुर। ये रहा अपना कोच A1। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग चल चुके हैं जबलपुर जंक्शन से। आज मौसम बड़ा सुहाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। जबलपुर रेवा खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो लगातार गाड़ियों का सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। 4 पे जबलपुर रेवा है, 5 पे LTT कानपुर। फुल मून डे है ये देखिए, और यहाँ पे WAP 4 भाई साहब अकेले टहल रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि चित्रकूट एक्सप्रेस में भी हम लोगों ने डिनर स्किप कर दिया था पांडा वगैरह आने के बाद। तो अभी भूख अच्छी खासी लग रही है, देखते हैं आने वाले स्टेशन में क्या खाना अवेलेबल होगा। नियरेस्ट जो बड़ा स्टेशन है वो तो इटारसी है, 10:30-11 के करीब आएगा। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फूड जल्दी से। यहाँ पे चलिए जल्दी से फूड ऑर्डर कर लेते हैं ट्रेन में। बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी यहाँ पे अभी, डिलीशियस, विज्ञापन, रेल रेस्ट्रो। लास्ट टाइम रेल रेस्ट्रो का खाना हमने मुंबई राजधानी में मंगाया था, काफ़ी टेस्टी आया था। चलिए इसमें ट्राई करते हैं फिर से। यहाँ पे पेना डालना है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है। जबलपुर का तो निकल गया है, खैर इटारसी का देखते हैं। इसमें करना ये है आपको कि बस कोई भी होटल अपनी पसंद का सेलेक्ट करो, यहाँ से खाना ऐड करो, फिर कार्ट बनाओ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पालक पनीर मैंने डाल दी, फिर व्यू कार्ट किया, जो भी अमाउंट आएगा उसे पे करो, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चलिए मैं भी कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। यारी ही तो
तो दोस्तों यहाँ निर्धारित समय से आधे घंटे पहले हम लोग इटारसी जंक्शन पहुँच रहे हैं। सामने से वो जो लाइन आपको आती दिखाई दे रही है वो दिल्ली से आने वाली लाइन है। इटारसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, देख सकते हैं आप लोग। जबलपुर लाइन से हम आ रहे हैं, दिल्ली लाइन वहाँ है। सीधे अगर आप चले जाएंगे जिसमें हम इस रूट में अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो हम लोग भुसावल खंडवा मनमाड होते हुए मुंबई लाइन में बढ़ रहे हैं। अगर मनमाड से स्ट्रेट जाया जाए तो मुंबई, लेकिन हम लोग आज थोड़ा डाइवर्जन लेके दौन तरफ बढ़ जाएंगे। और अभी जब डिपार्चर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा साउथ जाने वाली लाइन, चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद जाने वाली लाइन भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हमारा अराइवल हो रहा है इटारसी जंक्शन। पलसाड़ मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, यहाँ निर्धारित समय से हाफ एन आवर पहले ही हम लोग पहुँच चुके हैं अब इटारसी जंक्शन पे। यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप लोग समोसा कचौड़ी ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है, बिरयानी अवेलेबल है, साउथ का इडली वड़ा भी अवेलेबल है, साथ में पूड़ी सब्जी चावल सब्जी ऐसी सभी चीज़ अवेलेबल है नोवा के स्टोर्स में। और भी कई काउंटर्स में आपको श्रीखंड रसगुल्ले ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इटारसी जंक्शन के बारे में, जंक्शन किस लिए कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को अराइवल में ही बता दिया। धूप काफ़ी कड़ी हो चुकी है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपीरियल मेल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, उसका अराइवल हो चुका है, शायद आपको दिखाई दे रही हो वहाँ पे। तो काफ़ी दूर है, उसमें हमारे एक दोस्त हैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं अविनाश पाटिल, उनसे मिलने की सोची थी लेकिन हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आए हैं, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। फिर कभी मुलाकात होगी बैंगलोर में, ये खैर मिलते रहेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर के टाइम पर, मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों एक अच्छे खासे हॉल्ट के बाद हम लोग अब चल चुके हैं इटारसी जंक्शन से। सामने हमारे है अहमदाबाद मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, उसका भी डिपार्चर हमारे साथ साथ हुआ है यहाँ से। सामने आप देख सकते हैं कामायनी एक्सप्रेस, वाराणसी लोकमान्य तिलक। पुणे दानापुर, तो दोस्तों ये जो लाइन्स आप जाते हुए देख रहे हैं यही साउथ बाउंड लाइन्स हैं, यही हैदराबाद चेन्नई बैंगलोर इन रूट्स तरफ जाती हैं, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मुंबई लाइन की। तो दोस्तों यहाँ पे डोसा आ चुका है जो हमने रेल एस्टो से ऑर्डर किया था, साथ में एक छाछ सांभर और चटनी भी दी है। यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स दिए गए हैं और टिश्यू भी है, और ये हमने खुद परचेस किया है गुलाब जामुन यानी रबड़ी वगैरह। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी हमें 160 रुपीज़ पड़ी थी, अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, साथ में एक 1 लीटर की वाटर बॉटल भी दी थी, तो 160 में सारी चीज़ें हैं। तो टेस्ट बताते कैसा रहेगा। प्राइस के हिसाब से तो वर्थ है, पर पैकिंग काफ़ी नॉर्मल लगी मेरे को। बाकी अगर आप लोग अगर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका डोसा या कुछ खाने पीने का मन है तो आप इसे ज़रूर ले सकते हो, रिकमेंडेड है। क्योंकि जो मैंने ट्रेन में ऑनबोर्ड थाली देखी वो 120 रुपीज़ की थी, वो काफ़ी लोकल सी थी, दाल पर उसमें पानी जैसा लग रहा था। तो अगर आप लेना चाहो ट्रेन में अपनी जर्नी के दौरान, ज़रूर रिकमेंडेड है आपके लिए, ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हमारी ट्रेन बढ़ रही खंडवा की ओर, देखते हैं कुछ समय में खंडवा में अराइवल। तो दोस्तों अपनी जर्नी तो काफ़ी कमाल की चल रही है, इटारसी तक हमको हरा भरा सेक्शन देखने को मिला, अब उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। बढ़ रहे हैं हम लोग खंडवा की ओर, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ लंच ऑर्डर कर लिया जाए अपकमिंग स्टेशंस में। तो लास्ट टाइम जब मुंबई राजधानी में खाना ऑर्डर किया था वो भी बढ़िया था रेल एस्ट्रो का, चलिए रेल एस्ट्रो से कुछ ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं अब ऑनलाइन खाना मंगाने के लिए। तो ये रहा रेल एस्ट्रो वेबसाइट पर जाते हैं इनकी,
इनका ऐप भी है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही रेल रेस्टो का ऐप खुल जाता है, यहाँ पे आप अपने PNR से अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ डालते हैं अपना PNR, ऑर्डर नाउ पे किया क्लिक, ये सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे खुल करके। जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, भुसावल ठीक रहेगा, 2:40 PM पे हमारी ट्रेन वहाँ पहुँचती है, वहीं से कुछ ना कुछ मंगा लिया जाए। मनमाड़ में भी ऑप्शन अवेलेबल है, अहमदनगर में भी है, चलिए भुसावल से कुछ ना कुछ मंगा लिया जाए। अब दोस्तों अपना खाना जो है वो ऑर्डर हो चुका है, अब भुसावल में देखते हैं किस टाइप का खाना आता है। मुंबई राजधानी में तो काफ़ी अच्छा खाना आया था, अब भुसावल में पता चलेगा कैसा खाना आने वाला है। लेकिन उससे पहले खंडवा में आप लोगों से मुलाकात होगी, चलिए देखते हैं खंडवा में अराइवल। तो भाई लोग, यहाँ अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 20 मिनट पहले खंडवा जंक्शन पहुँच चुकी है। खंडवा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक ज़माने में सनावाद से होते हुए महो तक मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, जो कि आगे रतलाम तक जाया करती थी। पर अब ये रूट बंद चल रहा है मीटर गेज का, और यहाँ से अकोला के लिए भी मीटर गेज चला करती थी। दोनों ही चीज़ें गॉज कन्वर्जन में रूट्स हैं। जल्दी आपको यहाँ पर ब्रॉड गेज लाइन देखने को मिलेगी। खंडवा में हम लोग 20 मिनट पहले आ चुके हैं यहाँ पर स्टेशन में। पकौड़ी, समोसा, खाने पीने की सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है इस जर्नी में, उम्मीद नहीं थी मेरे को कि फेब के महीने में इतनी कड़ी धूप होने वाली है, एक्सप्रेशन से समझ रहे होगे। चलिए अब से कुछ समय हमारा डिपार्चर भी यहाँ से होगा, आप लोगों से मिलता हूँ डिपार्चर में। यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और डिपार्चर बिल्कुल राइट टाइम हमारा हुआ है, 12:45 पे हम लोग चल चुके हैं यहाँ से। भारत में केवल दो नदियां ही पश्चिम की ओर बहती हैं, एक नर्मदा, दूसरी तापी। हम लोग अभी पार कर रहे हैं तापी नदी को। तो दोस्तों अभी हम लोग भुसावल पहुंचने वाले हैं, और ये जो लाइन है यही जाती है अकोला से धमनगांव होते हुए वर्धा नागपुर की ओर। क्या रेट है? 40 का भाव दे देना।
तो दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन, जो पूरे भारत में एक्सपोर्ट करता है केले, और तापी नदी के किनारे बसे हुए भुसावल शहर में 10 प्लेटफॉर्म है। यहां से आपको मैंने रूट दिखाया जिस रूट से आप लोग नागपुर तरफ जा सकते हैं। हम लोग आ ही रहे हैं अभी इटारसी वाले रूट से, मुंबई वाले रूट पर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है। यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है दोस्तों स्टेशन में। साउथ का खाना भी अवेलेबल है, डोसा वड़ा भी अवेलेबल है, बड़ा पाव भी अवेलेबल है, ऑमलेट अवेलेबल है, बिरयानी अवेलेबल है, थाली अवेलेबल है अपना। लेकिन रेल रेस्टो का खाना आवश्यक है, इसलिए सब चीज़ें नहीं लेंगे। अंदर चलते हैं, रेल रेस्टो के खाने का रिव्यू करते हैं और यहाँ से डिपार्चर को भी इन्जॉय करते हैं। तो भाई लोग 2:45 अपना डिपार्चर हो चुका है भुसावल जंक्शन से। सामने कामायनी एक्सप्रेस आ चुकी है, वाराणसी से लोकमान्य तिलक के बीच चलने वाली, और आप लोग कह सकते हो कि हम उसे ओवरटेक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना खाना आ चुका है रेल रेस्टो का, और यहाँ पे है पनीर, थोड़ी सी दाल, एक मिक्स वेज की सब्जी, चपाती और गुलाब जामुन, पिकल भी दिया गया है, एक छाछ, ठंडा बोतल पानी और सैनिटाइज़र आजकल मैंडेटरी हो गया है। तो ओवरऑल से टेस्ट करते हैं, मैंने आप लोग से ऐसा प्रॉमिस किया था कि रिव्यू करेंगे भुसावल से चढ़ने वाले खाने को। तो थोड़ा फैला हुआ है फिर भी महाराष्ट्र आ चुके हैं विदर्भा रीजन के करीब, तो इसमें काला मसाला पड़ा हुआ है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दाल भी सेटिस्फैक्ट्री है, अब चपाती देखी जाए, रोटी है इसमें चपाती। तो दोस्तों रोटियों का हाल कुछ ऐसा है, रोटियों का हाल ठीक है, काम चल जाएगा अगर एक जर्नी के दौरान, बाकी ट्रेन के खाने से बेटर है, यही चीज़ मैं कहूँगा बार बार। तो सब्जी को रिव्यू किया जाए, टेस्ट कैसा है, सब्जी भी बढ़िया, बाकी तो हल्दीराम्स का तो अच्छा हो गई, और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिला, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को, अब से कुछ ही समय हम लोग जलगांव को स्किप करने वाले हैं। रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस, और अभी हम लोग जलगांव रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। वैसे तो हमारी गाड़ी का स्किप था, लेकिन यहाँ पे हमारी गाड़ी लगभग 2-4 मिनट रुकी रही है जलगांव रेलवे स्टेशन में, उसके बाद हम लोग यहाँ चले हैं। ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस को हम लोगों ने पार कर लिया है। जलगांव से निकलते ही दोस्तों सूरत की ओर जाने वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है, उधर जो ट्रैक्स जा रहे हैं वो सूरत की तरफ निकल जाते हैं, उधना जंक्शन पे ट्रैक जाके मुंबई अहमदाबाद लाइन को मिलेंगे, और हम लोग पड़ गए हैं अब मनमाड़ लाइन की ओर। समय हो चला है कि हम लोग पहुंचे मनमाड़ जंक्शन। तो दोस्तों गजब का मौसम हो गया और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग तो आ रहे हैं अभी जलगांव वाली लाइन से, यहां से मुंबई की ओर लाइन गई हुई है, दूसरी लाइन गई जिसमें हम लोग शिरडी की तरफ बढ़ने वाले हैं, और यहां से औरंगाबाद के लिए भी लाइन गई हुई है जो कि आगे जा करके हैदराबाद में कनेक्ट होती है अच्छा खासा घूम फिर कर। लेकिन कुल मिला के मनमाड़ में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर
आपको पाव भाजी, वड़ा पाव, ब्रेड ऑमलेट, कटलेट, ऐसी सभी चीज़ें, पकौड़ी वगैरह जिसे महाराष्ट्र में भजिया वगैरह कहते हैं, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पानी जूस सब मिल जाएगा। लेकिन यार गर्मी बहुत है, अगर मनमाड वाले सेक्शन में आ रहे हो हाफ़ टी शर्ट ज़रूर कैरी करना, मेरी तरह फुल पहनोगे तो बस हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन माइक लगाना है तो ये पहनना ज़रूरी है। फिलहाल कुछ समय में यहाँ से डिपार्चर भी होगा, मौसम देखिए कितना गजब का हो गया। चलें यहाँ से कुछ समय में, आप लोग को दिखाता हूँ डिपार्चर भी। हम लोग बढ़ जाएंगे शिरडी की तरफ और थम्सअप हिल देखने को मिलेगा डिपार्चर पे। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे दोस्तों। मंगला एक्सप्रेस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और हमारा डिपार्चर भी यहाँ से हो चुका है। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं थम्सअप हिल, ये देखिए। शाम हो चुकी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना खाना पीना आ चुका है मनमाड से। आपको मैंने बुकिंग प्रोसेस तो पहले ही दिखा दिया है रेलवे स्टो का, कैसे आपको बुक करना है। चलिए इसका टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो ये भी हमको पड़ा है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का। सुबह से अभी तक की ये बेस्ट डिश रही है हमारे पूरे रूट में। और फिलहाल हम लोगों ने थम्सअप हिल को भी क्रॉस कर लिया है। अगला जो स्टॉप है वो कोपरगाँव है। मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही। बस इसका मैं रेटिंग ज़रूर देना चाहूँगा, 10 में 9, परफेक्ट क्वांटिटी। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल भी हैं और साथ में एक पानी बोतल फिर मिल जाती है। और टोटल हमारे पास 3 बोतल आज हो चुकी हैं। चलिए मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ, आप लोगों से आगे चल कर मिलता हूँ। खूबसूरत सी शाम और ये वड़ा पाव मनमाड का अलग ही कॉम्बिनेशन है। कोपरगाँव आने वाला आपसे कुछ समय में दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों लगभग 12 घंटे के सफ़र को तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं कोपरगाँव रेलवे स्टेशन। शिरडी मात्र यहां से 14 किलोमीटर बसता है, तो आप लोग आधे घंटे के अंदर यहां से शिरडी पहुंच सकते हैं। शेयर टैक्सी, शेयर कैब्स, ऐसी बहुत सारे ऑप्शन आपको स्टेशन के बाहर ही मिल जाएंगे। बसेस वगैरह भी यहां से चलती हैं। तो दोस्तों जबलपुर से कोपरगाँव यानी शिरडी तक 712 किलोमीटर की इस दूरी को 12 घंटे में तय करते हुए हम लोग अब पहुंच चुके हैं कोपरगाँव रेलवे स्टेशन। और अभी अच्छा खासा दिन है, रात नहीं हुई है। कम से कम मुझे लगा था कि शिरडी स्टेशन आप लोगों को कहीं रात में ना दिखाना पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी आप लोग शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए पहुँचें तो बताइए ज़रूर। वैसे सबसे अच्छा स्टेशन होता है वहाँ पहुँचने के लिए पुनतांबा रेलवे स्टेशन, और पुनतांबा से कई ट्रेनें भी चल गई हैं तो उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है पुनतांबा तो आप कोपरगाँव या अहमदनगर उतर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कोपरगाँव रेलवे स्टेशन वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये जर्नी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलूँगा आप लोगों से ऐसी और ढेर सारी आने वाली जर्नीज़ में। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु। रेल रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, अपनी जर्नी को आप राजधानी स्टाइल बना सकते हो। मिलूँगा जल्दी, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।